फांसी के निकटवर्ती गांव बास में एक विवाहिता द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसकी बहन ने फांसी नहीं लगाई बल्कि उसके पति व सास ससुर ने मिलीभगत कर उसकी बहन को फांसी के फंदे पर लटकाया और उसे मार डाला। फिलहाल पुलिस ने मृतका के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर पति सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह मृतका का पोस्टमार्टम करवा कर सबको मृतका के परिजनों के हवाले कर दिया। नरेश जी, किस तरह का मामला था ये? ये सर जी, कल हमारे पास सूचना मिली थी कि पास गांव में रितु भाई को परवीन ने अपने घर पर फांसी लगा ली। जिस सूचना पर हम आते थे तो रितु की डेड बॉडी हमने चारपाई पर मिली। वहाँ पर हमने फिर फॉरेंसिक टीम बुला के मुआयना करवाया जाएगा। फिर इसके भाई ने लिखित में हमारे को कंप्लेंट दी, उस कंप्लेंट पर पर्चा दर्ज कर दिया। किस तरह की कंप्लेंट दी है? इस पर दहेज का ये 498A 304B और 34 IPC। किस किस के ऊपर दर्ज करा है ये? एक इसके घरवाले के, एक इसके ससुर के, एक इसकी सास के। क्या नाम है इसके घरवाले का? परवीन। तो पहले कोई झगड़ा हुआ घर में, कुछ ऐसी शिकायत मिली हो? ऐसे सर हमारे को तो ये शिकायत नहीं मिली। कौन से गांव की है सर ये? ये खरक भिवानी में। कहाँ ब्याह रखी थी? शादी कहाँ हुई थी? शादी पास गांव में। पास में कितने साल हो गए शादी को? शादी को करीब 3 साल। बच्चे भी हैं? एक लड़की, 6 महीने। तो किस तरह की कार्रवाई अभी पुलिस की तरफ से चल रही है? मुकदमा दर्ज कर दिया जी और पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा करवा दिया और डेड बॉडी वारिसान के हवाले कर। तो क्या कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं, तफ्तीश चल रही है। हाँ। क्या नाम है? मंजीत। मंजीत, कैसे हुआ है? आपकी बहन थी क्या ये? हाँ जी। क्या नाम है और कैसे हुआ है? अच्छा, इसको परेशान करते थे देश की ओर से जी, ठीक है, और साजिश करके मारी है मेरी बहन। किसके ऊपर मतलब आपका शक है? शक नहीं है, पूरा यकीन है सर। ठीक है, एक तो इसका घरवाला, एक इसका ससुर जी है और एक इसकी सास जी, उन चारों ने मिलकर इसका मर्डर किया है। तो बातचीत हुई थी पहले आपकी बहन से? आपकी कोई जी, अभी 15 दिन पहले हमारे घर पे शादी थी, तब भी आई थी, तब भी मारपीट की थी इन लोगों ने। अच्छा, ठीक है, तब भी हम छोड़ के गए थे इसको यहीं बास में। फिर भी माँ चल कोई नहीं, मैं छोटा मोटा है, माँ कोई बात नहीं है। फिर मैंने 12,000 रुपये उसको दिए भी, बाइक के लिए बोल रहा था, 12,000 रुपये हमने दिए भी उसको। भाई नई बाइक का हमारा भी उतनी है, तू वहाँ चल सेकंड हैंड ले लेना जी। 12,000 रुपये हमने उसको दिए भी थे, ठीक है। बाद में वो उसको पता नहीं कम लगे क्या करा, ठीक है। फिर वो 22/18 को हमारी शादी थी घर पे, 22 को वो घर यहाँ आई थी, ठीक है। 2-3 दिन बाद फिर ये हादसा कर दिया इन लोगों ने। तो इस हादसे से पहले कोई बातचीत हुई है? एक और बातचीत हो रही है जी, गुड़िया जो हमारी गुड़िया एक्सपायर हो जाने जी, इसका लड़की हो रही है 6 महीने की जी। जिस दिन से लड़की हुई है उससे दिन तो इस छोरी के साथ मार पिटाई कर रहे हैं। अगर लड़की क्यों हुई, लड़की क्यों हुई? अच्छा, पहले कोई बच्चा नहीं था? नहीं, पहले नहीं, 2 साल तो शादी को हुई। अच्छा, शादी हुई है 2 साल पहले। 2 साल पहले यानी कि अगला महीना हम 2 साल हो जाओगे। पहला ही बच्चा था? हाँ, पहला बच्चा जी, लड़की हुई है। तो किस तरह की कार्रवाई अभी आप चाह रहे हैं जी? सख्त कार्रवाई चाहिए हमने, हमारी ओर तो कोई वो नहीं है अगले किसी प्रकार का ही ना। अगले भाई मारी जान करके मरी हो, इन्हें मारी है जान करके। ठीक है, थैंक यू सर।